ओके फ्रेंड, आज हम खेलने वाले हैं HOH डिफ़िकल्टी का कूप। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं इसको सोलो खेलने वाला हूँ अकेला, और बाकी मेरे साथ जो फ्रेंड है ये एग्जिट नहीं करेंगे। इसने कहा कि ये सिर्फ देखेंगे, वॉच करेंगे, ये अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी देखना है कि भाई वी से मैं कैसे इसको HOH डिफ़िकल्टी वाले को मैं कैसे पास करता हूँ, कैसे क्लियर करता हूँ। और इसमें एक फ्रेंड है तो उसको क्या इसको रिवॉर्ड चाहिए, तो वो भी एग्जिट नहीं करेगा। बट ये लोग अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ वॉच करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और आप भी देखिए, अब यहाँ पे यार मेरे से एक प्रॉब्लम हो गया रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा था तो सिस्टम साउंड इसका बंद था, सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड हो पाया और गेम का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो वैसे यार ऑडियो से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ देखना है, ये स्किल देखना है कि भाई मैं कैसे इसको सरपास करता हूँ, कैसे सोलो प्ले करता हूँ इसको। और यहाँ मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि सोलो है और HOH डिफ़िकल्टी तो ये जानते हो भाई कितना हार्ड है, ठीक है। सोलो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये सिर्फ एक मेरे ख्याल से ये जो है और एक वी, ये दो ऐसे करेक्टर है जिससे ये क्लियर किया जा सकता है सोलो, बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे सोलो क्लियर होगा। एंडलेस जजमेंट और नाइटमेयर वी, बस ये दो ऐसे करेक्टर है जिनसे ये हो सकता है सोलो, ठीक है। तो पहले मैं नाइटमेयर से नाइटमेयर से ट्राई कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एंडलेस जजमेंट से भी ट्राई करूँगा। और भाई इसमें कमाल वाली बात यह है कि जो मेरा वी है वो डबल एस प्लस का है, मतलब EX भी नहीं है, डबल एस प्लस है। और भाई इस गेम को प्ले करते हुए मेरा हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता मुझे इसमें कुछ भी यूज़ करना पड़े रिवाइव होने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं एक बार भी डाउन नहीं हूँ और मैं इसको क्लियर कर दूँ। बाकी मैंने जितनी वीडियो देखा सब में लोग एक ना एक बार यूज़ करते हैं रिवाइव होने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं ना करूँ, इसलिए थोड़ा मेरे को घबराहट भी हो रहा है। फिर भी चलते चलो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, आप लोग देखते रहो। अगर पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ भी सीखने को मिले इसमें, हाँ मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा सीखने को है जिसे आप नोटिस कर लोगे तो आपको वी से गेम प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी इस चीज़ को मैं बता नहीं सकता, बस आप उसको देख के समझो और समझो कि मतलब ऐसा क्या है इसमें जो मैं इसको सोलो क्लियर कर पाया हूँ, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाएगा जब तक उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। जब देखते जब आपको शायद समझ में आ जाए। तो भाई लगभग ऐसा लग रहा है कि यार फर्स्ट बॉस जो है हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बॉस से लगता है। ये एक बार हवा में उड़ता है, चक्कर वक्कर दिला के डायरेक्ट क्लियर कर देता है, तो इसके लिए मेरे को सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता है। बाकी आएगा जितना है वो तो मैं इजी झेल लूँगा, और क्यों झेल लूँगा, ये लोग यही वक्त है कि आप इस चीज़ को समझो कि आएगा बॉस मेरे लिए आसान होने वाला है, और यही वो मोमेंट है। इसी मोमेंट के बाद आगे का गेम मेरा इजी हो जाएगा। अगर यहाँ मैं गलती करता हूँ तो फिर आगे गेम मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने कोई गलती नहीं की। और क्या गलती नहीं की इस चीज़ को आप इसी वीडियो में समझ लेना, क्योंकि यही वो मोमेंट था जहाँ मैं अगर गलती कर देता तो फिर आगे का गेम मैं नहीं खेल पाता, आगे का गेम मैं क्लियर नहीं कर पाता। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आगे का गेम क्लियर कर लूँगा ईजीली। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो चुका हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट बॉस क्लियर हो चुका है। अब अगला बॉस, उसके बाद लास्ट बॉस तक आप बने रहो, और आपको भी स्ट्रेटजी समझ में आएगा, इस वीडियो को पूरा देखना। अब ये मैंने कहा था कि दो ऐसे करेक्टर है जिससे पॉसिबल है कि आप सोलो कर सकते हो। बाकी सिटी जो है वो भी अच्छा करेक्टर है, काउंट थंडर,
लगभग एंडलेस जजमेंट जैसा है, बट ये बॉस जो है क्रश यहाँ पे वो नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ा कर देता है, क्योंकि ये जब हवा में उड़ जाता है तो फिर सीटी से पॉसिबल नहीं होता कि उसको जल्दी किल कर लूँ, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, भले वो ये इसका ही क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉब्लम खराब कर देता है। लेकिन यहाँ वी से ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, एंडलेस जजमेंट से भी ज़्यादा यहाँ पे मेरे ख्याल से ईजी हो जाता है वी के थ्रू, क्योंकि भाई ये तो हवा में उड़ उड़ के मार सकता है, और यहाँ आप देख लेना कि मैं इसको कैसे मारता हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी कोई बॉस लगता है तो मुझे यही बॉस लगता है। और भाई आप एक चीज़ नोटिस करना कि इसको डैमेज क्या पड़ रहा है, 1 लाख से ज़्यादा का, 1.5 लाख पौने 2 लाख के आसपास डैमेज जा रहा है किसी किसी टाइम सिंगल पंच में। देख लो 1,80,000 के आसपास का एक सिंगल पंच का डैमेज पड़ा था इसको। तो इस चीज़ को आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ पाओगे कि इतना ज़्यादा डैमेज कैसे दे रहा है। और मैंने पहले कहा था कि यही वो मोमेंट है जहाँ मैं गलती नहीं करता हूँ, अगर मैं वहाँ गलती किया होता तो डैमेज इतना ज़्यादा यहाँ नहीं दे रहा होता। तो मैं खुल के भी कोई चीज़ नहीं बता सकता, बस समझो आप लोग, है ना, और आगे वॉच करते रहो। अब यार यहाँ पे तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ये जो करंट पकड़ता है तो कभी कभी किल ही कर देता है, और मुझे तो एक साथ दो दो ने पकड़ा था, लेकिन बस उसी वक्त हमारा ये शैतान निकलता है और भाई हमको छुड़ा लेता है, क्योंकि ये जब फटता तो बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, क्योंकि दो दो बबल ने एक साथ पकड़ा था। चलो यहाँ से तो जान बची, और ये हमें थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि भाई ये जो नेरो है हमारा ये फ्रेंड, इसने 2% डैमेज दे दिया, बट मेरे को बाद में समझ में आया कि ये एंडलेस जजमेंट का जो एक ऑटोमेटिकली मारता रहता है, मेरे ख्याल से उसकी वजह से डैमेज पड़ा है। तो मैं सोचा चलो ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा इतना। अब यहाँ पर एक और दिक्कत खड़ा हो गया, बट मेरे पास इतना स्पीड था कि अगर ये फट भी जाए तो मैं बच जाऊँगा, तो मैं इतना टेंशन नहीं लिया। लगभग मेरा ये भी अब क्लियर होने वाला है, तो लास्ट बॉस के लिए आप रुकना ज़रूर यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो लास्ट बॉस को मैं मारूंगा किल करूंगा तो वो देख के आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। तो फाइनली बॉस 2 भी हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम चलते हैं लास्ट बॉस की तरफ, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे मैं किसी का सपोर्ट भी नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ जो सबसे बुरा प्रॉब्लम होता है बॉस 3 में, शील्ड भी रिक करना होता है ना। तो भाई नाइटमेयर वी तो इतना फास्ट मारता भी नहीं है कि दोनों साइड का सील ब्रेक कर सके इतने कम समय में,
तो यही वो ट्विस्ट है जिसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि ना तो मैं सील ब्रेक करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसको बिना सील ब्रेक किए बिना नॉक के ही मारने वाला हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, बट मैं इसे बिना नॉक किए मारने वाला हूँ। ऐसे ही पंचेस पंचेस मारने वाला हूँ इसको मैं, और डैमेज मेरे वी का जो डैमेज है इस वक्त वो आप काउंट करना कितना ज़्यादा दे रहा है। इसका रीज़न भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड और आप लोग इंजॉय करो। पहले तो थोड़ा मुझे डर लग रहा था यहाँ पे कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई 50% मैंने इसको डैमेज दे दिया है ऐसे ही, और मेरे पास अभी भी 6 मिनट का टाइम है, तो फिर मैं कर लूँगा। बाकी उससे पहले मैं थोड़ा सोच रहा था क्यों नहीं हेल्प ले लिया जाए, सील ब्रेक करवा लूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, सोलो मतलब सोलो तो ये नहीं करना है मुझे, मैं ऐसे ही मारूँगा इसको, मुझे नहीं कराना है सील ब्रेक, मैं इसको ऐसे ही, और मैं लगभग इसको ऐसे ही मार चुका हूँ आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने कुछ इशारा किया है आपको, अगर वो आपको समझ में आता है तो यकीन मानिए आपको बी से गेम प्ले करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर आपने इस चीज़ को समझा होगा तो। और समझ में आए तो वीडियो लाइक कर देना। तो फाइनली हमारा ये क्लियर हो चुका है HOH का सोलो, और शुक्रिया आप सभी के सपोर्ट के लिए, और जो भी इस वीडियो तक बने हैं उसको तो भाई दिल से थैंक यू।